यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण यान दिखाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान से अवगत कराना और विश्व में तेजी से हो रहे परिवर्तन, जैसे आज इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सैटेलाइट के थ्रू ही संभव है। वैसे ही डिजिटल शिक्षा के माध्यम से सूचना एवं संचार तकनीकी ICT का ज्ञान कराना, इस उद्देश्य को लेकर के ये बनाया गया है सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट कैसे आसमान में भेजा जाता है उस यान का यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया है और उस इसमें ये SRB रॉकेट बूस्टर होता है और इसमें सॉलिड लिक्विड होता है और उस लिक्विड में जो ईंधन होता है STPB होता है, ये प्रथम चरण कहलाता है। दूसरा चरण एक्सटर्नल टैंक होता है और इसके अंदर लिक्विड फ्यूल होता है UH2504, ये लिक्विड होता है। और इसके बाद तीसरा चरण जो है, ये तृतीय चरण होता है सॉलिड फ्यूल, इसमें भी होता है STPB, ये तीसरा चरण होता है और इसमें STPB का इस्तेमाल किया जाता है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट चौथा चरण होता है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये चौथा चरण है और इसमें MMH MON3 लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर का जो देख रहे हैं, सबसे ऊपर सैटेलाइट चेंबर होता है जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रखा जाता है। ये नीचे जो ये ब्लैक कलर का दिखाया जा रहा है ये लॉन्च पैड होता है और इसी से लगा हुआ बर्नर होता है और जैसे ही इसमें हम प्रज्वलन की क्रिया करते हैं वैसे ही तेजी से इसके बर्नर से गैस निकलते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है कि ये पूरे सैटेलाइट को ऊपर उठा देता है। यहाँ पे जो दिखाया गया है PSLV C21, इसका वजन जो है 292 टन है और ऊंचाई 114 फीट और मोटाई है 9.2 फीट। इसकी जो पेलोड क्षमता है 1060 किलोग्राम, इसका मतलब 1060 किलोग्राम के वजन के सैटेलाइट को ये आसमान में भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं आसमान में, अच्छा यहाँ पे दिखाया गया है सैटेलाइट इनसेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस प्रकार का होता है। इसमें ये सोलर पैनल है जिसके माध्यम से इसको इलेक्ट्रिक मिलता है। इसके अंदर जिस कार्य के लिए सैटेलाइट को भेजा जाते हैं वो सभी उपकरण इसके अंदर होता है और अंदर जो दिख रहा है ये आपके कैमरा है, इसके माध्यम से पृथ्वी का फोटो भेजते रहता है। तो जिस अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सैटेलाइट भेजते हैं, तो यहाँ पे ही सेट 2B जो कि भूमि सर्वेक्षण के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस प्रकार की सूचनाओं को हम तक प्रेषित करने का कार्य करता है। और किस तरह से ये अपलिफ्ट होता है या आसमान में भेजा जाता है इसको हम दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। यान के माध्यम से सैटेलाइट को उपग्रह जो होती है उसको कक्ष में, पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया जाता है और ये सामान्य पोलर सैटेलाइट जो होता है वो 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं और वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं।